अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीजे जहांगीर। प्रोग्राम अच्छा लगे बुरा लगे के साथ आज हम बात करेंगे कि अल्ताफ भाई अचानक इतने गर्म क्यों हो गए हैं। सिंध एक और सिंध दो का नारा लगाकर उन्होंने अपनी मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात से पहले ही हलचल मचा दी है। हम जायजा लेंगे कि आखिर MQM क्या चाहती है और सिंध मुल्क की सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। आदाब बड़े मियां इम्तियाज आलम साहब और मंजरे मियां अयाज खान साहब, आज ख्याल से बात करनी है। MQM वाले नोट कर रहे होंगे आपकी बातों को ना, मुझे मालूम है उसके क्या असरात हो सकते हैं मेरे ऊपर। तो आती है हमारी तरबियत ही हुई है कि अखबार वाले एहतियात तो करते हैं। मगर ये बताइए कि अल्ताफ हुसैन साहब, इन्होंने जो इतना गर्म नारा लगाया है कि जी सिंध एक और सिंध दो, ये तो इधर हम और इधर तुम की बात हो गई है। ये बड़ा दिलचस्प ये मुझे मतलब ये देखे ना, उधर तुम इधर हम से आपने मुझे मतलब इतनी पुरानी यादें दिला दी। अब्बास सत्तर साहब मरहूम मुझे याद आ गए जब उन्होंने आजाद में सुर्खी लगाई थी अखबार में, और भुट्टो साहब ने कहा था कि मैंने ये कहा ही नहीं, और उन्होंने कहा मैंने अक्स किया है। तो ये आपके जहन में कैसे आया? भाई मैं उस दिन अखबार में मौजूद था, आजाद अखबार में थे उस दिन, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। देखिए मामला क्या हुआ पाकिस्तान में कि मगरबी पाकिस्तान को एक यूनिट बना दिया गया ताकि पंजाब बाकी सूबों पर और जो बलोचिस्तान और सिंध पे हावी हो जाए डोमिनेंस पे, और इसकी बना दी गई पैरिटी मशरकी पाकिस्तान के साथ। इस तरह मशरकी पाकिस्तान की अक्सरियत को कम किया गया। लगता यह है कि ये जो MQM ने बड़ा नया क्रिएटिव नारा दिया है, बहुत इसमें सियासत की समझबूझ नजर आती है कि जो कराची और शहरी इलाके हैं खासतौर कराची में अब उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत नहीं रही पिछले सेंसस के हिसाब से भी, और अब नया सेंसस होगा सामने आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि पंजाबी उर्दू बोलने वाले बलोच दूसरे लोग सिंधियों का नाम नहीं लिया, इन सब क्यों ये जो है ये और सिंध वाले 50-50 करें। मतलब ये कि शहरी इलाकों में जो गैर सिंधी बोलने वाले हैं उन्हें साथ उनकी बुनियाद पर मुतालबा किया जाए पैरिटी का सिंध के साथ। नहीं लेकिन कराची में तो देखे ना इतनी कौमियतें हैं इंक्लूडिंग सिंधी भी बहुत ज्यादा है वहां पे। अच्छा उसमें शामिल नाम नहीं किया उन्होंने इसका, उसमें उन्होंने बलोचों का नाम लिया है, सराइकियों का नाम लिया है, कश्मीरियों का नाम लिया है, पंजाबियों का नाम लिया है। अच्छा उसमें क्या होगा कि इस बात को वो ये जो कह रहे हैं, असल में सारा झगड़ा जो है ना बहुत बड़ा बनने जा रहा है कि सिंध के जराए पर किसका क्या कंट्रोल हो, क्या कब्जा हो, क्या हिस्सा हो। अभी ये जो पीपल्स पार्टी ने लेकर आए हैं बिल, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो बड़े अहम इदारे हैं जैसे कराची बिल्डिंग अथॉरिटी होती थी कंट्रोल अथॉरिटी, उसे उन्होंने बना दिया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। इसी तरीके से वहां पे ये KDA है और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये जो फिर शहरी जमीनों का बड़ा मसला है, जो आप कहते हैं ना जमीनों लैंड माफिया और बहुत कॉम्पिटिशन है और झगड़े हैं, तो जो मोटे मोटा माल है वो चला गया सिंध गवर्नमेंट के पास, और जो लोकल गवर्नमेंट के पास बड़ी पावर होती थी मुशर्रफ के जमाने में बड़ा अच्छा डेवोल्यूशन हुआ था और उसकी तारीफ भी की गई उस निजाम की के मकामी तौर पर इख्तियार मुंतकिल हुए, मगर PPP ने उसकी इनका जो कानून आया थी। इनका जो कानून आया पीपल्स पार्टी का या पंजाब में जो कानून आया इसमें इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के पास इवन बलोचिस्तान में भी मकामी हुकूमत के पास ज्यादा इख्तियार। इसमें हल्का बंदियों का भी इशू बना ना, इन्होंने हल्का बंदियां तब्दील कर दी कराची के हवाले से भी, उनका यही शिकवाया लिमिटेशन जो हुई। अच्छा कराची के हवाले से जो मुझे मैंने बात की काफी साफियों से कि इतना जो है ना हल्का बंदियों पर एतराज इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सारी पार्टियों ने यह एतराज किया है बशमूल MQM के कि उन्हें इसमें मशावरत के अमल में शामिल नहीं किया गया। अब यह हुआ है कि हल्के तादाद बढ़ा दी गई है, मतलब पहले अगर 170 या 60 हल्के थे या 67 हल्के थे अब 400 कराची में। मगर कराची के अंदर MQM को इतराज है डीलिमिटेशन के पर हल्का बंदियों के ऊपर मलीर को लेके? नहीं उसमें हुआ ये कि पहले होते थे 5 जिले। अच्छा। अब हो गया 6। यस। अब पीपल्स पार्टी का अंदाजा ये लगाया जा रहे हैं कराची की जो सियासी पंडित है हमसे हमारे अलावा भी सियासी पंडित है। हाँ। आप तो नहीं है सिर्फ जाहिर है बहुत से हैं। अच्छा तो... अब वो पहले पीपल्स पार्टी थी 1-4 MQM 1 पीपल्स पार्टी, अब कहा जा रहा है कि 2 पीपल्स पार्टी और 4 MQM, और फिर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी आप बता रही थी निकाल लिए। इसमें एक और फैक्टर भी तो आया ना, अभी जो लास्ट जनरल इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो तहरीके इंसाफ ने अभी जो इन्होंने गुलशन इकबाल में जो जलसा किया अल्ताफ भाई ने उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है ना, चूंकि तहरीके इंसाफ ने बहुत सारे वोट लिए थे वहां से इसलिए उसको काउंटर करने 50,000 वोट मिला उर्दू बोलने वालों का इमरान खान की, तो थर्ड फ्रंट उभर के सामने आया लेकिन उसकी अभी महदूद है। लेकिन ये वहां पे जलसा करने का एक मकसद ये भी था। दूसरा ये है कि MQM के अंदर बड़ी तब्दीलियां आई हैं कि जनाब गाजी
ये जनाब आ गए हैं हमारे गाजी सलाउद्दीन साहब, नहीं नहीं गाजी सलाउद्दीन नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं आप। ये काफी अरसा अमेरिका में रहे जी, और इन्हीं के एक और साथी जो है उन्हें वहां पे सेक्रेटेरिएट में ले जाया गया है, राबता कमेटी तोड़ दी गई थी, एक बहुत बड़ी रिशफल हुई है, कुछ लोग बाहर गए हैं, लेकिन साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये कुछ मुकदमात हैं, जैसे डॉक्टर इमरान का कत्ल है, उस पर उंगलियां उठ रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुझे किसी ने बहुत दिलचस्प बात बताई, एमकेएम के किसी दोस्त ने, कि भाई अल्ताफ भाई के लाखों हजारों फिदाई हैं, चाहने वाले हैं, खुद लंदन में और बरतानिया में है, वो कहेंगे हमने इतने पैसे दिए जनाब अपने पास से दिए, आप कहेंगे मैंने 4,000 pounds दिए, ये कहेंगे 1,000 pounds दिए, केस एक्सप्लेन हो जाए इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उनको ये बातें सामने लाने हैं। सब पाकिस्तान नहीं है, वो बरतानिया है, वहां पे आपने जो डिक्लेयर ही नहीं की हुई अमाउंट कि ये हमारे पास वो पड़ी है। आप मुझे बताएंगे कि हाय मुशर्रफ हाय मुशर्रफ हाय मुशर्रफ क्यों हो रहा है कराची में? देखें अब वो बात भी उसी की कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में जो डिलिमिटेशन थी और जो कानून था उसके मुताबिक वो चाह रहे हैं इलेक्शंस, तो जाहिर है उन्होंने एक और बात कर दी ना कि मुशर्रफ पर इसलिए हमला हो रहा है या उनके साथ अच्छा सुलूक, वो महाजर है कि वो महाजर है, ये क्यों कहा नहीं, ये मरखल ये तो मतलब ये बात कुछ समझ में नहीं आती उस हवाले से, क्योंकि वो आर्मी चीफ थे उस हवाले से, जो शुजात साहब कर रहे हैं वो तो मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आपको दो चीज के बारे में देना चाहता हूँ, एक वार्निंग ये है कि ये जो अर्बन शहरी की या सिंध वन और सिंध टू की बात की जा रही है ये बड़ी खौफनाक है, ये खास तौर पे अंदरून सिंध जो महाजर हैं या उर्दू बोलने वाले उनके लिए और मकामी सिंधियों के दरमियान एक बहुत बड़े तसादम का वायस बनेगी, और शायद अगर ये बात तेजी आई इसमें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये न किया जाए, एमक्यूएम से अपील करूंगा ये न करें कि उन लोगों को वहां से एक दूसरी हिजरत करनी पड़ेगी कराची या हैदराबाद। इस हवाले से फिर अयाज पलेजो को तो आप क्रेडिट दें कि उन्होंने वो कॉल ऑफ की, और शायद इसीलिए कॉल ऑफ की कि उन्हें खतरा था कि बहुत बड़े पैमाने पर। मगर अयाज साहब हैदराबाद के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट इस तरह आई है, हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है कि वहां पे जो लोग हैं वो सहमे हुए डरे हुए हैं, वो कहते हैं कि ऑलरेडी हमारी इतनी दूरियां हैं, और उसको ये जो बयान अल्ताफ हुसैन साहब ने दिया है, जो स्पीच दी है हैदराबाद की, उसके बाद अकलमंदी की है, ज्यादा टेंशन हो गई है। मनीष बड़ी अकलमंदी की कि एमक्यूएम का एक वफद जाके अयाज पलेजो से मिला है जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि डॉक्टर रहीम साहब उसमें कैसे थे। अच्छा कैसे थे? जी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन अरबाब उन्होंने वहां से उसे मुलतवी कर दिया, जो मुझे सिंधी मीडिया के लोगों ने बताया है इंटीरियर से, उन्होंने कहा कि बहुत खौफनाक सूरत हाल बन जाती, बाद और लोग इसका फायदा उठाते हैं, वहां पे भी बनती इवन कराची में। देखें लेकिन अगर आप सोचे अगर ये 50-50 वाले मामले को बढ़ाया गया या ये कि सिंध एक और सिंध दो का, तो फिर तो ये क्लैश होगा, नहीं क्लैश होगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये मसला जो है ये सिर्फ सूबाई और मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात का है, क्या है ये? देखिए बात सुनिए, एमक्यूएम वजूद में आई जनरल जियां के जमाने में, उस वक्त लोकल गवर्नमेंट थी और लोकल गवर्नमेंट मिली एमक्यूएम को, एमक्यूएम वहीं से उभरी लोकल गवर्नमेंट से, फिर लोकल गवर्नमेंट जो है मुशर्रफ के जमाने में इतना लंबा पीरियड रही 8-9 साल, उसमें उन्होंने तरमीम भी की, एमक्यूएम बिला शिरकत गैरे उसमें आई और बड़ा अख्तियार था, अब वो मजा आ गया म्यूनिसिपल पावर का। अब दूसरी तरफ आप ये देखें कि एमक्यूएम 90 से 92 और 2004 से 2007 के दरमियान ऐसी कोलिशन हुकूमतों में खुश रहती थी जिसमें सिंध से नॉमिनल नुमाइंदगी होती थी बराए नाम, जैसे जाम सादक हो गया, जैसे अरबाब रहीम हो गया, सिंध के फ्यूडल्स का एक छोटा सा ग्रुप और एमक्यूएम भारी भरकम एमक्यूएम, इसे वो इस पावर को एंजॉय करते थे। जो ही पीपल्स पार्टी के साथ वो इक्वेशन बनाते हैं या पार्टनरशिप या कोलिशन बनाते हैं तो पीपल्स पार्टी तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर अक्सरियत लेकर आती है सिंध से, तो लिहाजा उनकी इक्वेशन बनती नहीं। लिहाजा आप देखेंगे 5 साल में जरदारी हुकूमत में या गिलानी हुकूमत में मुसलसल पीपल्स पार्टी का और उनका सुबह अंदर होते थे, बाहर वो भी रहा, लेकिन लेकिन इसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जैसे जो लोग, अब आप देखेंगे मैं एमक्यूएम ने एक बड़ा सफर किया, एक उर्दू बोलने वाले महाजर सियासत करने वाली पार्टी से वो बन गए कौमी मुतहदा कौमी मूवमेंट, ये एक अच्छी बात थी, मिडिल क्लास की अपील के साथ वो पूरे मुल्क में जा रहे हैं। यही मैं आपसे पूछने अच्छा, और इनके इनके मुखालिफ जो थे डिट्रैक्टर्स जो थे उन्होंने बना दी महाजर कौमी मूवमेंट हकीकी, जिसके लीडर का नाम क्या है वो अफाक अहमद, अफाक ग्रुप जिसे कहा जाता है, अफाक कह रहा है कि भाई आपने महाजरों से गद्दारी की है। मैं समझता हूँ इसमें एक बात ये भी है कि अफाक को प्रियम्प्ट करना भी है,
कि अगर क्राइसिस आए कोई तंजीमी तो ये जो नारा लगाया अल्ताफ भाई ने उससे उन्होंने एक तरह से प्रियम्प भी कर दिया कि उनसे वो नारा छीन लिया। मगर जब मुसीबत आई तो फिर उन्होंने फिर से जो एक नेशनल कार्ड है फिर से निकाला। नहीं, उसमें मसला एक होता है कि जब भी एमक्यूएम के मकामी बेस पर हाथ डाला जाएगा तो एमक्यूएम फिर कोई कौमी सियासत से और मुतहदा कौमी मूवमेंट से आकर खालिस महाजर कौमी मूवमेंट बन जाती है। अच्छा, आपने बात एक और बात जी, मगर वो उनको डिफीट कर देते ना पर्पस, ये मुझे बताइए कि इलेक्शन, मगर इलेक्शन आ रहा है कौमी मूवमेंट से, वो उन्होंने मुतहदा से महाजर जो आपने बात की है, पहले तो मुझे याद है पंजाब के अंदर काफी शोर मचा था, वो आ रहे हैं आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब वो जब सिंध कार्ड प्ले करेंगे तो लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं है, उनको ये बात शायद याद रह जाए? वो जो पंजाब का इशू था ना वो, और नेशनल लेवल पे ये जा रहे थे और जा भी रहे थे, इन्होंने उस पर काम भी किया। देखिये, मिडिल क्लास एक पार्टी और लोग ये समझ रहे थे कि एक रोशन ख्याल भी लोग हैं, इनके साथ जाना चाहिए, लेकिन वो 12 मई का जो इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद वो बहुत सी चीजें चेंज हो गई। अल्ताफ भाई जो है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मजबूत दहशतगर्दी के खिलाफ स्टैंड लेते रहे और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कहा कि जो सेकुलर लोग हैं, जो आजाद ख्याल लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाएं, उससे भी उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें ये मिल के काम करना चाहिए इसके लिए। मैंने कहा हम तो साफी हैं, आप इसकी क्या करें। अब बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी के खिलाफ स्टैंड लिया, इसे एएनपी ने लिया, इन पार्टियों को दहशतगर्द जमातों ने रोका, तहरीक तालिबान ने इनका इन्हें इलेक्शन में जाने से रोका। मैं हैरान हूं जलसे कैसे हो रहे हैं। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं कि ये गनीमत था कि इनकी पूरी मुल्क में अपील बना रहे थे, लेकिन जो ही उनके मकामी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुफादात का मसला आता है ना, उसमें जक पड़ती है या वो छीनने की कोशिश होती है तो अल्ताफ भाई फिर बड़ी तेजी से वापस। लेकिन हकायक बहुत तब्दील हो गए हैं इम्तियाज। अगर आप कराची की हद तक ये अगर देखें, पश्तून ये कहते हैं कि पिशावर हमारा शहर नहीं है, हमारा शहर कराची है, सबसे बड़ा शहर पश्तूनों का, पश्तूनों का सबसे बड़ा शहर, बलोचों का भी वो है, बलोचों का भी सबसे बड़ा शहर है, क्वेटा में तो इतने बलोच है ही नहीं। और एक और बताऊं आपको, सबसे बड़ा सराइकियों का शहर भी जो है ना कराची, वो भी कराची। अयाज साहब, इम्तियाज साहब, ये बताइए कि अल्ताफ साहब ने ये भी बयान दे दिया कि अब मेरे से बात कर लो, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद खून खराबा होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्ताफ भाई रहे, क्योंकि वो ऐसी बड़ी तंजीम है जिन्हें बांध कर वो बैठे हुए हैं, ऐसी बड़ी तंजीम को जबरदस्त मुनज़्ज़म कुव्वत को इकट्ठा रखने वाली जो कैरिज्मेटिक शख्सियत है वो अल्ताफ भाई। अच्छा, हम ये अल्ताफ भाई को अगर कुछ हो गया या मैदान से हटे तो मुझे डर है कि कराची में तबाही फिर मुल्की आएगी, अल्लाह ना करे, लेकिन और हमें दुआ करनी चाहिए कुछ चीजें। वी विश बेस्ट अल्ताफ भाई को, वो रहेंगे तो ये एमक्यूएम और बातचीत भी हो सकती है। आप उनको विश बेस्ट करें, मगर देखिए एक तरीके से उन्होंने एक अदारे को उकसाया भी है। उन्होंने कहा है कि तुम लोग कब इंटरवीन करोगे, तुम लोग तब इंटरवीन करोगे जब महाजर एक इंडिपेंडेंट स्टेट का नारा लगाएंगे, तो ये आपको लगता नहीं? देखिए ये जो है ना महाजर, देखिए महाजरों की जमीन तो है नहीं, आप महाजर हैं, ये तारे के वतन है, अगर आप तारे के वतन है तो आगे सेटल हो जाए, तो फिर आपका ये लैंड तो आपकी थी नहीं। अब आप मतलब मुझे समझ नहीं आता, इस नारे का मकसद क्या था? इस नारे का क्या मकसद? देखिए किसको उकसाया जा रहा था? ये देखिए आप देखेंगे एक पैटर्न नजर आएगा आपको कि एमक्यूएम अपने मुतालबात के लिए और खासतौर पर इलेक्शन से पहले इस तरह की बातें करते हैं ताकि वो अपने कंसेशन ले सकें, रायतें ले सकें, क्योंकि एमक्यूएम की जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है सिंध के अंदर भी और मुल्क के अंदर भी वो ऐसी है कि वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर सकती है, उसके पास सारे कार्ड्स नहीं है, लिहाजा उसे ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है। लिहाजा अगर अल्ताफ भाई बहुत जोर से बात कह रहे हैं ना तो उसे आपको लेना चाहिए कि वो असल में अपनी बार गई। लेकिन फिर हमने ब्रेक पे जाने, बात करें मुनीजे की ब्रेक आ जाती है बड़ी जल्दी, मुनीजे बात करें फिर। देखिये बात यह है कि वो आपने बात की कि एक इदारे से वो अपील कर रहे हैं कि जी वो आए इंटरवीन करें, व्हाई आर यू नॉट इंटरवीनिंग, उसी इदारे से इन्होंने सबसे ज्यादा अपीलें की कि आए कराची में ऑपरेशन करें, वो उन्होंने नहीं किया, निसार साहब ने रेंजर्स को लगा दिया, हालांकि कुछ लोग कहते हैं पुलिस से, लेकिन उसके असरात मुरतब हो रहे हैं वहां पे, अमन ओमान की सूरत है आइडियल नहीं है लेकिन बेहतर हुई है, 40% क्राइम कम हुआ है, ये तो पुलिस का दावा है, पुलिस का दावा है, लेकिन हुआ है कम, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पे क्राइम कम हुआ है, और ऑपरेशन अभी तो ऑपरेशन का बड़ा मुश्किल मरहला भी आने वाला है, शायद अल्ताफ हुसैन साहब ने जो तकरीर की है उसका कुछ उससे भी रेलेवेंट। अयाज साहब, आखिरी जो चार महीने गुजरे हैं उसके अंदर 12,300 अरेस्ट हुए हैं, जिसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली 3,600 अब्सकॉन्डर हैं और 8,000 को उन्होंने अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया है, तो ये पुलिस के जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आए हैं वो ये कहते हैं। मगर अभी हमने लेनी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एमक्यूएम से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनके सामने रखेंगे कुछ सख्त सवाल। वक्फा लीजिए, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होंगे।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। हमारे साथ हैं इस वक्त गाजी सलाउद्दीन साहब, जो एमक्यूएम के मरकजी रहनुमा हैं और एमक्यूएम के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो मेंबर भी हैं। गाजी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइए कि अल्ताफ भाई ने जो एक नारा लगाया है सिंध एक और सिंध दो का, आखिरकार एमक्यूएम चाहती क्या है? इसके बाद तो मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बेंस हुई है, इसके बाद बहुत ज्यादा तबसरे आए हैं इसके बारे में। आफ्टर ऑल एमक्यूएम चाहती क्या है? देखिए, एमक्यूएम का बिल्कुल वाजा मौकफ है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने हैदराबाद में और फिर कराची के लाखों के इज्तिमा में बड़े वाजा अंदाज में यह बात कही कि मैं सिंध का सपूत हूं, सिंध का बेटा हूं, सिंध की तकसीम किसी सूरत में भी नहीं चाहता। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने कहा कि जो है वो कराची के शहरी इलाकों को मोतसबाना अंदाज में जो है उनके साथ रवैया रखा जाए और उनके साथ वो सलूक किया जाए जो सिंध का वडेरा, सिंधी वडेरा सिंध के हारियों के साथ करता है। कराची एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वहां के लोग बड़े पॉलिश्ड हैं, सिविलाइज्ड जो है वो माशरा है। उस माशरे को आप वडेराना अंदाज में नहीं चला सकते। बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा, अगर आप मेरी बात, इम्तियाज आलम साहब मैंने आपको सुना, मुझे थोड़ी देर के लिए सुन लें। हमारे सवालात हैं गाजी साहब, सवालात बहुत से रह जाएंगे गाजी साहब, फिर मैं सारे सवालात का जवाब दूंगा। मुख्तसर सा बयान कर दीजिए जी। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने बड़े वाजा अंदाज में कहा कि अगर आप शहरी इलाकों के साथ इस किस्म का मुतसबाना रवैया रखते हैं तो खुदारा तो पॉलिटिकल पार्टीज हमने अरेस्ट किए, तो आप लोग फिर ये क्यों नारा लगाते हैं कि आपकी पार्टी के ऊपर ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? क्या आप इसलिए ये नारा लगा रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट जो आए हैं रेंजर्स से कि एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी है जो सेक्टेरियन वायलेंस के पीछे है कराची के अंदर, आप लोग क्यों समझते हैं कि आपकी पार्टी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जब उनका ये कहना है पुलिस वालों का कि अक्रॉस द बोर्ड हम पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को अरेस्ट कर रहे हैं? पहली बात तो समझने की यह है कि आपको और सारे मुल्क के अवाम को, खास तौर पर हम जो जर्नलिस्ट हैं, इम्तियाज आलम साहब आप और हम सब जर्नलिस्ट हैं जो जहन बनाते हैं, जिनके कॉलम्स को लोग पढ़ते हैं, हम भी लिखते हैं, तो खास तौर पर हमारा जहन बड़ा वाजा होना चाहिए कि सबसे पहले कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में ऑपरेशन की बात की थी और हमने तो यहां तक कहा था कि फौज को लाओ, फौज के जरिए ऑपरेशन करो। तो ये तो बड़ी वाजा बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी हम हमारे अपने स्टैंड पर उसी तरह कायम है। लेकिन जहां जहां भी आप उसको अक्रॉस द बोर्ड से हटकर करेंगे तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत में जहां जहां भी हमारे कारकुनों को जो है वो इस तरह जो है वो विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाया जाएगा तो हम आवाज बुलंद करने के लिए, जायज हक के लिए आवाज बुलंद करेंगे उसके लिए। ये आप कोटा सिस्टम, और ये हमारा हक है। आप कोटा सिस्टम की मुखालफत क्यों कर रहे हैं भाई? देखें इम्तियाज आलम साहब और साथी हमारे जो मौजूद हैं, कोटा सिस्टम 1973 में जुल्फकार अली भुट्टो ने जो 73 का आईन बनाया था, उसके बाद जो लिस्ट आई थी, कॉन्क्रीट लिस्ट जो बनी थी, उसको खत्म हुए कब कितना अरसा हो गया आप जरा देखें। उस कॉन्क्रीट लिस्ट के बाद का अरसा जो मुकर्रर किया गया था, अब्दुल हफीज पीरजादा साहब वजीर कानून थे, आज भी उनको बुलाकर आप पूछ लें कि उस कॉन्क्रीट लिस्ट का टाइम पीरियड रखा गया था 10 साल, 10 ईयर्स के उस कॉन्क्रीट लिस्ट में जो है सूबों को इख्तियारात मुंतकिल कर दिए जाएंगे। अभी जिस तरह पिछली हुकूमत में जरदारी साहब की हुकूमत में 18वीं आईनी तरमीम के जरिए बहुत से मामलात सूबों को मुंतकिल किए गए, तो हमने उस पर अपना रोल प्ले किया एज ए पार्लियामानी पार्टी। ठीक, बहुत तो बहुत हमें प्ले करने चाहिए। बहुत कुछ शुक्रिया गाजी सलाउद्दीन साहब हमें ज्वाइन करने का। हमने जाना है फौरन एक वक्फे की तरफ और वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत सीनियर रहनुमा ताज हैदर साहब। ताज हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने नारा लगा दिया है सिंह एक और सिंह दो का, और MQM आपसे बहुत नाराज नजर आती है, तो ऐसा क्यों है कि मकामी हुकूमत को इख्तियार की मुंतकली से इनकार क्यों है? मकसद ये कि हर शहर के अंदर दो शहर होते हैं, रूसों ने कहा था, तो सिंध के अंदर भी दो सिंध हैं, लेकिन ये तकसीम गुर्बत की बुनियाद पे है, इस्तेसाल की बुनियाद पे है, ये तकसीम जो है ये नस्ली बुनियाद पे या लिसानी बुनियाद पे नहीं है। और जैसे आप कराची में भी देखें तो 60% आबादी कच्ची आबादियों के अंदर रहती है, ये मेहनत कश हैं, ये हर जबान बोलने वाले हैं, और इनके दरमियान कभी आपस में झगड़े नहीं होते, ये मुत्तहिद हैं, और ये वो हैं कि जो बिल्कुल मार्जिनलाइज लोग हैं। तो बिल्कुल ये है कि हर शहर के अंदर दो शहर हैं, लेकिन ये आपकी पार्टी का एक चौथा असूल ये रहा है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, और आप मकामी हुकूमतों को इख्तियार देना नहीं चाहते, जैसा कि आपका ऑर्डिनेंस कहता है, और उसे रद्द कर दिया है हाई कोर्ट ने इसी बुनियाद पर। नहीं, खैर हाई कोर्ट को बहुत ख्याल होगा अवाम का, और बहुत वो तड़पते होंगे अवाम के लिए, और लेकिन ये कि किस बुनियाद पे किया गया है। अगर वो कहते हैं कि जी 268 हलके गलत हैं, इस वक्त कराची की आबादी जो लेटेस्ट फिगर मेरे पास आई है 2,13,747 है, आप 268 हलकों की जगह अगर 178 हलके तक करते हैं तो हर हलके के अंदर 1,20,000 से ज्यादा अफराद आ जाते हैं, और ये तो दोस्ती नहीं है कि कराची की नुमाइंदगी को कम किया जाए जबकि दूसरे इलाकों में 15,000 से 20,000 पे यूनियन काउंसिल है। तो इस तरीके से जो या पैनल का सिस्टम है, पैनल का सिस्टम जो है वो भी इंतखाबात को मुमकिन बनाने के लिए किया गया। क्यों पैनल हो, पैनल किस लिए हो? मैं आपकी पार्टी में नहीं बनाना चाहता पैनल, आप क्यों मुझे खींचना चाहते हैं उसमें? जी नहीं, आजाद उम्मीदवारों को जिनको के उम्मीद है कि हजारों वोट लेके वो कामयाब हो सकते हैं, वो 9 अफराद का पैनल भी बना सकते हैं, और हम पार्टी बेस्ड सिस्टम के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि सियासी पार्टियां मजबूत हों। और आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ कानून के अंदर एक सुकुम की वजह से आधे से ज्यादा उम्मीदवार आजाद वहां पे मुंतखब हुए हैं, और इस वक्त वहां खरीदो फरोख चल रही है। तो पार्टी बेस्ड सिस्टम को, यस वी आर बायस्ड ऑन दैट। ताजादर साहब, जब आप पार्टी बेस्ड सिस्टम को करने का तरीका यही है कि पार्टियां अपने पैनल, और यही गालिब रुझान है आपके प्रेस क्लब में, आपके आर्ट्स काउंसिल में, ट्रेड यूनियनों में। ये आप मकामी हुकूमत को पावर नहीं दे रहे हैं, उसमें सारा इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास रख रहे हैं, ये क्यों है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको मुकामी हुकूमत के आईन को जो सिंध असेंबली ने पास किया है और उसके मुंसलिक जो शेड्यूल्स हैं कि कॉस्मोपॉलिटन कॉरपोरेशन के क्या फंक्शंस हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्या हैं, टाउन कमेटीज के, यूनियन काउंसिल के, अगर वो आप देखेंगे तो उसमें से अगर आधे भी फंक्शंस ये कर लेती हैं मकामी हुकूमतें तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। ताजादर साहब, एक बड़ी शहरी सियासी पार्टी के मुतालबात अगर नहीं मानेंगे तो ये तो फिर आप कोई इस तरह का मामलात बन रहे हैं कि जैसे लसानी फसाद की तरफ जा रहा है। नहीं, उनके तो कोई मुतालबात नहीं है, उन्होंने बिल्कुल जो हल्का बंदियों पर उनका एतराज है तो हल्का बंदियां, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उनकी मर्जी और उनके मशवरे के साथ हुई हैं हल्का बंदियां कराची के अंदर। दूसरे ये कि पैनल पे भी जो उनके अब एतराज है, हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर ये एतराज नहीं किया। तो ये तमाम चीजें जो हैं, मेरे ख्याल से जो लोग कोर्ट के अंदर गए हैं और ये कोर्ट का फैसला, ये इसने इंतखाबात को नामुमकिन बनाया, नहीं तो इंतखाबात तो हो रहे थे। और अगर ये फैसला खत्म नहीं करता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो फिर 30 करोड़ बैलेट पेपर छापने, हम कहते हैं इलेक्शन, इस वक्त तो बॉल इलेक्शन कमीशन के पास है, हम इंतखाबात के लिए हाजिर हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने हैं, और वो 30 करोड़ बैलेट पेपर अगर छाप सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए ताज हैदर साहब, माफ कीजिए, 3 करोड़ MQM आपकी इत्तेहादी रही है,
और अल्ताफ भाई ने कहा है कि बातचीत हम कर सकते हैं बजाय कि खून खराबा हो बाद में बात करें, और जरदारी साहब ने भी कुछ इस तरह की बात की है, कोई बातचीत शुरू हुई है क्या, उसमें कामयाबी का इम्कान होगा? मेरे ख्याल से किसी भी सियासी जमात को खून खराबे की बात नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से काफी खून बह चुका है कराची की सड़कों में और पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पे। अगर 50,000 पाकिस्तानी कत्ल हो चुके हैं तो फिर शायद वो वक्त आ गया है कि जब हमें रुक के सोचना चाहिए कि खून खराबे से हमें गुरेज करना है। मुझे सेनेटर अजमल खटक ने एक शेर सुनाया था खुशहाल खान खटक का, और वो ये था कि खून बहाने से खेतियां हरी नहीं होती। तो बात ये समझने की है, ये 300 साल पहले बात कही गई, खून बहाने से खेतियां हरी नहीं होती। हमें आपस में बैठना है, एक दूसरे की बात सुननी है। जो भी जमहूरी तरीके हैं, एक असेंबली कानून पास कर रही है, ताजादर साहब ये बहुत तस्लीम करना है और आगे बढ़ना। कराची की शहरी आबादी पे इस बात का बड़ा मनफी तासर है कि सिंध के वडेरे आ जाते हैं और कराची की कॉरपोरेशन में चलाने की कोशिश करते हैं, और जबकि सिंध के अंदर वो शहरों को तरक्की देना नहीं चाहते। इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी पार्टी? नहीं, मेरे ख्याल से कराची मेहनत कशों का शहर है। नहीं, आपकी पार्टी तो स्टूडेंट पार्टी बन गई। आबादी यहाँ कराची मेहनत कशों का शहर है, और यहाँ पे जो मेहनत कश हैं कच्ची आबादियों वाले, तो कच्ची आबादियों के लिए तमाम तर वसाइल सिंध हुकूमत देती है। जो शहरी हुकूमत है वो बड़ी बड़ी सड़कों पे मेरी आपकी कारों के लिए फ्लाईओवर तो बनाती है ताकि हमें जहमत ना हो, लेकिन जो मेहनत कश है वो बसों की छतों पे, टूटी हुई बसों की छतों पे सफर करते हैं, या जो हालात हैं हमारी कच्ची आबादियों के अंदर जहां 60%। और दूसरी बात यह है कि इन कच्ची आबादियों में आज तक एक भी वाकया ऐसा नहीं हुआ है कि कोई शिया सुन्नी फिसाद हुआ हो या नस्ली बुनियाद फिसाद हुआ हो। नस्ली बुनियाद पे मेहनत कशों में किसी किस्म की तफरीक नहीं है। ताज अहमद साहब, ये बताइए, आपने कहा कि मिल बैठ के ही अगर हम बात करेंगे तो मसला हल होगा। एमक्यूएम इस बात के ऊपर डटी हुई है कि जहां जहां उनके स्ट्रांग होल्ड हैं आपने उनको डायलूट करने के लिए हल्का बंदियां की हैं। क्या आपकी पार्टी एमक्यूएम से पसे पर्दा कोई ऐसी बात कर रही है या आपका समझौता हो रहा है जिसकी वजह से ये जो एक मामला अटका हुआ है ये रिजोल्व हो जाए? मैं ये दोहराना चाहता हूं बात कि जो भी हल्का बंदी हुई है उसमें न सिर्फ एमक्यूएम पूरी तरह से शरीक थी बल्कि उनके इलाकों में उनकी मर्जी से हल्का बंदी हुई है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहता हूं, और आप लोग यहां कराची में नहीं हैं, अगर कराची में होते तो आपकी समझ में ये बात आ जाती कि कोई भी इंतजामिया एमकेएम की मर्जी के खिलाफ जाने की जसारत नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, हमने चलना है एक छोटे से वक्फे की तरफ, और वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। तो इम्तियाज साहब, ताज हैदर साहब ने तो बड़ा खुल के कह दिया कि देखें जी एमक्यूएम ऑन बोर्ड थी, हमने जब हल्का बंदियां की थी तब एमक्यूएम की रजामंदी के साथ की थी, और हम कोई भी डिसीजन ऐसा सिंध में नहीं ले सकते जो एमक्यूएम की मर्जी के बगैर हो। मगर एक तरफ से अयाज खान साहब, 2013 में जब इन्होंने सिंध लोकल गवर्नमेंट को रिपील किया तो उससे पहले तो एमक्यूएम वॉकआउट कर चुकी थी हुकूमत से, तो इनकी इनकी मुझे इनकी इंटेंशन पे डाउट है। बात इससे बहुत आगे चलेगी मनीजे, जो मैं बात इस पे करना चाह रहा हूं कि देखें यहां सिंध और कराची की तो नस्लियाती तकसीम ही बदल गई। कराची 1.25 करोड़ का शहर, 1 करोड़ 20 लाख का शहर हुआ करता था, वो 2.25 करोड़ उसकी आबादी हो गई, तो उस हवाले से तो नई हल्काबंदियों की जरूरत थी और बहुत ज्यादा हल्के इसके हो जाते हैं। लेकिन एमक्यूएम का एतराज आप जैसे कि बात कर रहे थे वक्फे में कि वो ये है कि वो नई वो सेंसेस नया चाहते हैं। देखिए, मुशर्रफ के जमाने में जो हल्काबंदियां हुई वो ये बात दुरुस्त है कि वो एमक्यूएम को सूट करती थी। अब जैसे कि आपने कहा आबादी डबल हो गई जी, दोबारा से हल्काबंदियां हो रही है, बहुत बड़ा पूरे मुल्क से जो शहरी आबादी की तरफ इनखला है, शहरों की तरफ देहात से, उसका बड़ा हिस्सा more than 50% वो कराची जाता है। ठीक है, अब अफगान माजर भी आ गया है, बंगाली भी आ गया है, दुनिया भर से लोग वहां पे आ रहे हैं, तो कराची का नक्शा भी चेंज हो, पंजाबी कम हुए और सिंध का पंजाबी ये भी गलत है, पंजाबी कम हुए उसमें। उसमें देखिए, उसमें हुआ ये कि सरायकी इलाकों से, मियांवाली से, पोठोहार से लोग ज्यादा जाने लगे हैं उस तरफ, सेंट्रल पंजाब में लोग वापस आए, सेंट्रल पंजाब से लोग बहुत वापस आए, या प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही है, मतलब ये कि बहुत नक्शा बदल रहा है। दूसरा ये कराची में क्राइम और पॉलिटिक्स मिक्स हो गए हैं,
और तीसरी बात यह कि वहां पे आपको अपना हर कोई हक चाहता है। ये आज नहीं हुई, ये तो बहुत। अब देखिए एएनपी वालों की तो पिटाई करके तालिबान ने निकाल दिया, वो भी पख्तून फैक्टर है ना कि जहां तालिबान आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ वहां पे अब ये शिया सुन्नी का मामला भी आ गया है, उसमें एमक्यूएम के अंदर भी इस तरह की तकसीम नजर आ रही है। तालिबान का वावेला मरखल ज्यादा है, इतने तालिबान कराची में नहीं लगा रहे हैं, इतने नहीं है। अच्छा एक और बात है कि ये जो सिंध में मामला पीपल्स पार्टी से हाथ कर रही है ना, ये बहुत ही दकियानूसी और पुराने जमाने की है। वो सारे जागीरदार वहां से लूटमार करते हैं, माल कमाते हैं, कराची जाके रहते हैं, खर्च करते हैं, और कोई सिंध का अंदरूनी शहर आप देखें नहीं, वो तो साल में चल रहा है, कोई तरक्की नहीं कर रहा, बुरा हाल है। अच्छा ऊपर से शहरी आबादी रद्दमल नहीं करेगी, क्या करेगी? अब आप देखिए कि जो ये जो सिंध बिल्डिंग का जो अथॉरिटी है वो हवाले की हुई है किसी फ्यूडल लॉर्ड के। अब जब शहरी लोगों के मामला हैं, सारी पावर चलेगी लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के पास, आप लोकल गवर्नमेंट में पावर डिवॉल्व नहीं करेंगे तो लोगों में रिजेंटमेंट तो आएगा, ये झगड़ा तो होगा। क्यों नहीं जनाब कराची में एक बड़ी पावरफुल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनती? क्यों नहीं जनाब बाकी शहरों में अच्छी और पूरे सिंध में मकामी हुकूमत को मजबूत करते? हमें करना क्या, बात यह है कि अब क्या किया जाए कि मेरा ख्याल है अल्ताफ भाई बहुत प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ताकि उनके साथ बातचीत हो और पीपल्स पार्टी और ये आपस में लेन देन कर ले। और उनके झगड़े से क्या हुआ है, एक तरफ सिंध में पीपल्स पार्टी मजबूत हुई है और दूसरी तरफ कराची में एमकेएम मजबूत, और एमकेएम वाले दोबारा सूबाई हुकूमत के साथ शामिल हो जाए या उन्हें पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत दोबारा बाकी मिल जाए। मेरा ख्याल है कि उसमें जो है एमकेएम प्ले करेगी दोनों तरफ, मरकज में भी और नीचे भी, और कोशिश करेंगे कि मकामी हुकूमत ज्यादा कंसेशन ले। और मैं समझता हूं कि अल्ताफ भाई ने जो अभी सियासत तेज की है उसमें मतलब ये था अपने बेस को कायम रखें और उसके उसे प्रोटेक्ट करें, उसमें और उसके अलावा ये कि उनके अंदर पार्टी के अंदर जो मसले हैं वो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, उनकी अपनी पार्टी के बहुत से मसाइल हैं। आपने मुकामी हुकूमतों की बात की थी, बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही। आप मुझे बताएं आज मुस्तफा कमाल कहां हैं, उनका कोई पता नहीं, कोई कहता दुबई में किसी फर्म के साथ वो काम करें। अनीस कायम खानी कहां है? एमक्यूएम में ऐसे डिसीजन बहुत रहे हैं, उनका पता ही लगा कहां गए। एमक्यूएम को अगर कोई होल्ड करता है वो सिर्फ अल्ताफ हुसैन, मगर अल्ताफ हुसैन को खुदा ना खासा इधर उधर किया गया की भी खबरें आ रही है कि अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत भी कोई अच्छी नहीं रही है। इसके इसको लेके भी एमक्यूएम के अंदर जो लोग हैं, दोस्त हैं, जाहिर है वो परेशान है। अल्ताफ साहब कहते रहते हैं स्कॉटलैंड यार्ड पे मेरी हाजिरियां हो रही है, इस तरह के वो जो बयान दे रहे हैं तो जाहिर है उसे लोगों में ये एक तश्वीश पैदा हो रही है कि एमक्यूएम की लीडरशिप जाएगी तो कहां जाएगी। जो गलत बात है जी कि ये गए थे महाजर उर्दू स्पीकिंग लोकल म्यूनिसिपल सियासत से कौमी सियासत की तरफ, कि मुतहदा कौमी मूवमेंट, उसमें सिंधी भी लाए, बलोच भी लाए, पश्तून भी लाए, अभी हमारे साथ जो बात कर रहे थे सिंधी थे जो उनके मरकजी रहनुमा हैं। ये एमक्यूएम ने बड़ा अच्छा काम किया था और एक मिडिल क्लास अपील की थी और एक सेक्युलर अपील शुरू की थी एमक्यूएम, लेकिन जो ही एमक्यूएम की दुम पे पांव आता है, दुम क्या है, वो है कराची की फीफडम, कराची की शाही। अब वो जो है ना वो फ्यूडल कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले फ्यूडल है। अब कराची को जिस तरह आप चला रहे थे हमारे एमक्यूएम के भाई, वो फ्यूडल वो क्या फ्यूडल से कम है? मैं आखिरी बात एमक्यूएम के हवाले से करता चलूं कि ये कहा जाता है कि ये दुनिया की वाहिद पार्टी है जिसे कराची पुलिस पे भी एतराज है और बरतानवी पुलिस पे भी एतराज है। चले तो काफी आपने लोडेड जिसे कहते हैं राउंड अप कर दिया। आखिरी बात फिर हमने बिल्कुल जैसे कहते हैं हमारा ख्याल है कि कराची सिंध के लोगों को मिलकर अपने मामला तय करने चाहिए और सिंध को लिसानी फसादात और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। तीसरी बात यह कि सिंध के जिम्मेदारों को अर्बन सियासत के तकाजों को अप्रिशिएट करना चाहिए और जरूरियात को और लिविंग स्टैंडर्ड्स को। इसी तरह सिंध के गरीब लोग जो है और हारी लोग हैं, इन लोगों को पीपल्स पार्टी को कुछ इन लोगों के साथ वादा करते थे रोटी कपड़ा मकान करके खावे, इन्हें कुछ तो एड्रेस करें। अब हमने प्रोग्राम बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं, वी आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ टाइम, मगर एक बात तो आप लोगों ने दोनों ने तशद्दुद खत्म किया जाए, अपने जो पर्सनल मैटर्स हैं उसे बालातर होकर मुल्क की सियासत की तरफ, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए इकट्ठे मिलकर, खासतौर पर कराची में चूंकि